असल वरम्हि वह रसुल करीम मेरे अजीज भाइयों, यंग स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वाल के साथ एक्सीलेंस राइट लेकिन हमें ऐसा लगा कि बात पूरी नहीं हुई है वक्त की किल्लत की वजह से आज फिर हम इस क्लास के अंदर उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और दिल को माइल करने की कोशिश करेंगे कि माँ बाप के साथ हुसन सलूक करना एक्सीलेंट कंडक्ट करना में हमारा क्या फ़ायदा है सबसे पहले खदीस याद दिला दूँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने एक दफ़ा कहा कि जिस शख्स को अपने माँ बाप यानी माँ बाप का बुढ़ापा नसीब हो वो शख्स अगर उतनी खिदमत ना करे माँ बाप की कि उसकी मगफरत हो जाए तो वो बर्बाद हो गया यानी आप बड़े हो गए पचास साल के आपके माँ बाप अस्सी साल के पिछहत्तर साल के और आप उस वक्त थोड़े से स्ट्रांग है हेल्दी है आपके बच्चे भी है आप, आप कमाते भी है अपना घर है और आप अपने माँ बाप की इतनी खिदमत ना करो कि आपकी मगफिरत हो जाए पता ये चला कि माँ बाप की खिदमत करने से मगफिरत हो सकती है और ज़िंदगी का मकसद क्या है जहनम से बचना और जन्नत में चले जाना राइट बाकी डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना गाड़ी खरीदना अपार्टमेंट खरीदना शादी करना बच्चे होना ये ज़िंदगी गुजारने का एक सबब है इट्स अ सोर्स ऑफ लाइफ लेकिन मकसद है जहनम से बचना क्योंकि आपको पता है ना वो पुल सिरात के ऊपर से जाते हैं क्या के दिन हर शख्स को जाना पड़ेगा तो उसमें गिर गए तो गिर गए तो पता चला कि जन्नत में जाने का एक तरीका यह है कि माँ बाप की इतनी खिदमत करो कि तुम्हारी मकफिरत हो जाए यानी अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत देख कर तुम्हारी मकफिरत तेरेगा जानते हो क्यों ऐसा है कभी साइकोलॉजिकली आप सोचो कि आप उस पोजिशन में हो गए आज से बीस साल के बाद जो बच्चे हैं टीन एजर्स हैं इनके अपने बच्चे होंगे और आप बहुत बिजी रहेंगे बिजनेस में बिजी है मेरा बिजनेस बढ़ाना है मेरे पोते हैं मेरे नवाज है सब मुझे खेलना है मुझे पढ़ाई करना है और भी स्टडीज़ करनी है अखबारें पढ़ने हैं मैं बहुत बिजी हूँ इसकी शादी में गया कल उसकी शादी में गया आज बच्चों को लेकर घूमने जाना है इस वेरी बिजी और उसके माँ बाप तो अकेले हैं बूढ़े हो गए बेचारे उनके माँ बाप गुजर गए उनके फ्रेंड्स गुजर गए सहेलियां गुजर गई अपनी माँ की और साथ साथ अपने फ्रेंड्स बिछड़ गए कोई किधर है पता नहीं अब इस उम्र में इनको इंसान चाहिए बात करने वाला चाहिए अब ये ऑफिस में तो जाते नहीं है डैडी के जाकर दोस्तों के साथ बात करें राइट अब दे वॉक टू टॉक टू समबडी के भाई मेरी बात कोई सुने ऐसा नहीं कि तुम लेक्चर दो हम सुने पता चला कि माँ बाप को कंपनी देना ब्यूटीफुल कंपनी ये आपकी मकफिरत का सबक मिल सकता है माँ बाप को कंपनी देने का मतलब ये है कि माँ बाप के साथ जब तुम रहो तो तुम्हारा बिहेवियर एक्सीलेंट होना चाहिए कि तुम्हारी मकफिरत का सर्टिफिकेट बन गया बिहेवियर के अतबार से दिल से तो सभी लोग अपने माँ बाप को चाहते हैं ना कोई कहेगा दुनिया में कि मैं अपने माँ बाप से नफरत करता हूँ अपनी माँ को डांटेगा तो भी कहेगा कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ रियल आजमाइश होती है जब माँ बाप के साथ तुम्हारे बिहेवियर कैसा होता है जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से कहा था के स्कूल में तो टीचर के साथ सब अच्छी तरह से पेश आते हैं दोस्तों के साथ सब अच्छी तरह से पेश आते हैं दोस्तों के माँ बाप के साथ भी हम अच्छी तरह से पेश आते हैं अंकल कुछ काम है क्या यस अंकल प्लीज कम इन कमीन कमिन असल अंकल सलामकुम आंटी है कि नहीं ईद मुबारक अंकल दोस्तों के माँ बाप के साथ भी लेकिन अपने माँ बाप के साथ यू नीड अ लॉट ऑफ टॉलरेंस टॉलरेंस मतलब के माँ बाप की कमजोरिया को दरगुजर करना ये तरीका है माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करने का एक शॉर्टकट क्योंकि शैतान वहीं आता है आपको बेसबरा बनाता है अरे मम्मी कितनी बार कहेगी खाना खा ले खाना खा ले ये क्या लगा रखा है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को चाहिए कि अपनी मकफिरत कराए वो अपने माँ बाप को पाए तो उनकी खदमत करे और साहबा की राम ने इस सबक को बहुत अच्छी तरह से समझा था इसीलिए ने उनको सर्टिफिकेट दिया नादी अल्लाह अल्लाह उनसे राज़ी है यानी अल्लाह अगर किसी को सर्टिफिकेट दे दे कुरान में कि मैं तुमसे राज़ी हूं खुशखबरी दे दे तो कितनी बड़ा अचीवमेंट है लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग सुनते बहुत है लेक्चर सुनते हैं किताबें पढ़ते हैं फेसबुक पे स्टेटस देखते हैं इस्लामिक पोस्टर्स पढ़ते हैं लेकिन ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती इसलिए कि हम अपने आप को अच्छे काम करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं जैसे मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो भी सीखना पड़ता है ग्रामर अच्छा नहीं लगता तो भी सीखना पड़ता है लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है मैं तो गुजराती हूं मुझे मराठी क्या सीखना तो लोग लैंग्वेज से भी कतराते हैं लेकिन एग्जाम में पास होना चाहिए ए प्लस नहीं आया ग्रेड्स में तो मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा सारी चीजों के अंदर हम अपने आप को फोर्स करते हैं है, है कि नहीं बीमार होते तो दवाई के लिए भी फोर्स किया जाता है नेक काम करने में हम थोड़े से केयरलेस रहते हैं या लथार्जी के रहते हैं या ये समझ लीजिए थोड़ा सा लेट गो वाला एटीट्यूड होता है इसकी बदौलत हमारे अंदर एक्सीलेंस आता नहीं है तो इस क्लास में हम वही बात कर रहे हैं आज एक्सीलेंस कैसे आना चाहिए माँ बाप के साथ उसने सलूक करने में तो साहब कदराम ने इसको बहुत अच्छा समझा था एक शख्स थे ओ एस मशहूर नाम है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये शख्स थे लेकिन ये साहबी नहीं हो पाए साहबी किसको कहते हैं मैं आपको बता दूं जो शख्स ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और ईमान की ही हालत में उसकी वफात हो जाए उसे साहबी कहते हैं अगर कोई शख्स मोमिन है ईमान लाया उस ज़माने में भी अल्लाह के रसूल से नहीं मिला लेकिन ईमान लाया तो वो मोमिन तो है लेकिन वो तो साहबी नहीं है ओवेस करनी एक बहुत अच्छे शख्स थे और इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर मिले और मदीना से वो कई मिलो दूर रहते थे लेकिन क्यों नहीं मिल पाते थे इसलिए कि उनकी एक बुढ़ी माँ थी शी वॉज वेरी सिख बहुत बीमार थी बेचारी अब उनकी खिदमत करनी पड़ती थी क्योंकि इनके अब्बा नहीं थे अब बेटा अपनी माँ की खिदमत करता है तो कितनी बड़ी बात है कि नबी को मिलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के जमाने में है तो उनको मिलने जाने की ख्वाहिश कितनी होती है आज हम कितनी मोहब्बत से दूर शरीफ पढ़ते हैं हमारे पैगम्बर के बारे में कोई कुछ कहता तो हम गुस्सा हो जाते हैं उस जमाने में वो शख्स हो गए उनको नबी से मिलने की कितनी तलब होगी लेकिन माँ माँ बीमार कौन ख्याल रखेगा तो वो अपनी जिंदगी में अपनी माँ को छोड़कर अपने नबी को मिलने नहीं जा सके कितना बड़ा सैक्रीफाइस बिग सेक्रीफाइस राइट क्या मकाम पे पहुंचे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तुम अपने खिलाफत में कोई शख्स उस गांव में जा रहा था जहां ओवेस करनी थे तो हजरत उमर कहते हैं कि उवेस करनी मिले उनसे कहना कि उमर अल्लाह के लिए दुआ करना यानी उमर बिन खबर किसी को कहे मेरे लिए दुआ करो कितनी बड़ी बात है वो तो मकाम कैसे मिला उन्होंने अपने माँ के साथ रहना पसंद किया माँ की खिदमत की यहाँ तक कि जो हदीस है कि जिस शख्स को अपने माँ बाप बुढ़ापे में नसीब हुए तो उसकी खिदमत करनी चाहिए वरना वो बर्बाद हो जाएगा यानी इट इज़ कंपल्सरी अपनी मक्सरत करवाना अल्लाह से कंपल्सरी है अगर नहीं कर पाए तो बर्बाद हो जाएंगे इट इज़ कंपल्सरी तलब रखना जन्नत में जाने की कोशिश करना कंपल्सरी है तो एक ये है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए अल्लाह ने शॉर्टकट बताया नहीं तो डेंजरस बर्बाद हो गया अब आप देखिए साहब किराम के ज़माने में अगर कोई शख्स इनके माँ बाप गुजर गए और बाद में उनको पता चला कि माँ बाप के साथ हुसन सलूक करने का सवाब इतना जबरदस्त अरे तो क्या और हमारे व्यूवर्स में से भी बहुत सारे लोग होंगे यंग होंगे बड़े भी होंगे जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है लेकिन अब बातें सुनने के बाद इनको एहसास होता होगा कि काश हमारे माँ बाप होते तो हम भी उनकी खिदमत करते है। तो क्या है उनके लिए क्या इस्लाम ने दरवाजे बंद कर लिए उनकी उम्मीदों के लिए हम्म बल्कि रास्ते खोले हैं देखो अल्लाह ताला कितना मौके देता है आपको जन्नतुल फिरदौस में जाने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के मां बाप नहीं हैं और वो चाहता है कि उनके माँ बाप के मरने के बाद उनके साथ अच्छा सलूक करे मरने के बाद तो उन्हें क्या करना चाहिए माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए इजी शॉर्टकट अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए आप यहां चाचा मामू फूफी की तो बात नहीं है डैडी के दोस्त की बात चल रही है आपके डैडी के भी दोस्त हो गए अरे अंकल आ गए पकाने के लिए यू नो तकिया कलाम लोग बोलते रहते आमतौर पर इस उम्र के बच्चे अपने अब्बा के दोस्तों से भी बहुत चुट थे अब वो अंकल ने देख लिया ना अभी जाके डैडी को शिकायत करेंगे अरे कैसे अंकल है वो वो कैसे दिखते हैं यू सी वी पास कमेंट्स पर हमें पता नहीं कि ये शख्स की कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए हो सकता है इसके साथ अच्छा सलूक करने से मेरे माँ बाप के साथ भलाई की उसका सवाब मुझे फ्यूचर में मिल सकता है इबन उमर रज़ी हज़रत उमर बिन बिनलताब के बेटे बड़े मशहूर हैं इनके बारे में भी हम आने वाले क्लासेस में स्टडी करेंगे ये एक दफ़ा अपने गुलाम के साथ जा रहे होते हैं ऊँट पर बैठ कर बाहर मतलब मदीना शहर आप लोग ने शायद देखा नहीं होगा इन शाला आप लोग देखेंगे उमरा करने जाओगे तो या हज करने जाओगे तो मदीना जो है ना वो रेगिस्तान था अभी तो रोड और हाईवे बन गए गर्मी के अंदर उस ज़माने में जाना एक ऊँट के ऊपर बैठ कर आउट ऑफ सिटी और देखा कि एक शख्स वहाँ से बड़े मियाँ चलते हुए मदीना की तरफ जा रहे हैं और ये मदीना के बाहर जा रहे हैं उन्हें पहचान लिया इब्ने उमर ने हज़रत उमर के बेटे ने और ये वाकया है हज़रत उमर के इंतकाल के बाद और ऊँट से उतर जाते हैं बड़ी मियाँ के पास जाते हैं अस्सलाम वालेकुम शेख वालेकुम वालेकाम वरहुल्ल अपना अमामा उतारते हैं और उसके सर पे पहना देते हैं अरबों के अंदर अपनी पगड़ी अपना अमामा उतार कर किसी और के सर पे पहना देना यानी हमने आपकी बहुत इज्जत की उनके कल्चर में ऐसा है। तो इबन उम्रदी अपना अमामा उतर कर उनके सर पर पहना देते हैं और अपने गुलाम को कहते हैं कि भाई ये बड़े मियाँ को ऊँट पर बिठाओ और मदीना में छोड़ के आओ मैं यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ गुलाम छोड़ के आ गया फिर पूछने लगा कि शेख बड़ा अजीब अमल देखा हमने आप ऊँट पे से उतर पड़े और जाकर आपने शख्स को पगड़ी पहना दी ऐसा हमने कभी देखा नहीं आपको करते हुए तो कहते हैं कि मैंने इसलिए इनके साथ किया कि ये मेरे अब्बा के दोस्त थे और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिनके माँ बाप गुजर गए हो और वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहे तो उन्हें चाहिए कि अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे तो मैंने किया यानी इसमें एक सबक ये है कि साहब किराम तलाश करते रहते थे नेकियाँ कमाने की, कमा ने की। जहाँ हदीस याद आ गई वहाँ हदीस पे अमल कर दिया हमारे अंदर ये जज्बा नहीं आता है हमको कितनी हदीसें पता है कितनी दुआएं पता है हम में से कई लोग तो कभी कभी बिस्मिल्लाह बोलना भी भूल जाते खाते खाते और नॉर्मली भूल जाते हैं ये शख्स हदीस को याद करते हैं और देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद आता है अब्बा के दोस्त को देखते उठते और इज्जत करते हैं माँ बाप के साथ माँ बाप के दोस्तों की भी इज्जत होनी चाहिए तो अब बीच में एक और कैटेगरी आ गई माँ बाप माँ बाप के दोस्त तो बीच में कैटेगरी आ गई ना माँ बाप के रिश्तेदार दादा दादी नाना नानी ना फूफी फूफा मामू चाचा ये देखिए ये सब आ गए ना हमारे अब्बा अम्मी के रिश्तेदार खाला ये सब हमारे अम्मी के रिश्तेदार आ गए हमारे अब्बा के रिश्तेदार आ गए यहाँ तो जी हमको हमारे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने के लिए टाइम नहीं मिलता ख्वाहिश तो बहुत है इनके साथ क्या सलूक करे कब जावे क्या करे नो आप मॉल में जाते हो आप जूहू चौपाटी पे जाते हो आप नीचे खेलने जाते हो आप दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल लेकर घूमने जाते हो आपके पास कितना सारा वक्त है लेकिन आप नहीं कह सकते हो कि हमारे पास हमारे बुजुर्गों के लिए वक्त नहीं है नो इट्स एन एक्सक्यूज़ इट्स नॉट ए रीज़न ये बहाना है ये कोई वजह नहीं है आपके खाला या आपके नाना नानी इस उम्र में बीमार होंगे आप कब गए मिलने के लिए है कि नहीं आपकी मम्मी को जाना पड़ता है बेचारी को दवाइयाँ लेकर ये वो क्योंकि उनके माँ बाप है वो तो करेंगे खिदमत लेकिन कितना अच्छा है कि आप भी अगर कहे अम्मा चलो मैं नाना नानी के साथ थोड़ी देर बैठता हूं आप कुछ काम कर लो नाना नानी आपको कुछ काम है क्या कुछ लेकर आऊँ आपके लिए नारियल पानी लेकर आऊँ एप्पल लेकर आऊँ अपने पॉकेट मनी में से वाह पैसा निकाल कर अपने खर्चे कम करके अपने नाना नानी अपने दादा दादी के लिए थोड़े से तोहफे आप लेकर आइए आप महसूस करोगे ईमान की मिठास यानी ईमान भी स्वीट होता है और वो स्वीटनेस का फील होते है जब अल्लाह के कोई हुक्म और रसूलुल्लाह ने अगर कोई चीज़ बताई हो अच्छी है ये चीज़ और अगर आपने उस पर अमल किया तो यू विल एंजॉय योर फेथ मज़ा आएगा बड़ा अच्छा लगेगा और ये कुर्बानी है ना आपको मोबाइल खरीदना है या आप अपने ईद के कपड़े खरीदोगे चलो यार इस दफा ईद के कपड़े मैं अपने लिए नहीं खरीदता हूँ हराम थोड़ी है मेरे पास तो पाँच छः जोड़ी और है इस बार मैं नाना नानी या दादा दादी के लिए सरप्राइज हमारे दोस्त थे वो ऐसा ही करते पिछले साल ईद आ रही थी कहा कि निशार हम कपड़े बहुत है मेरे पास मैं इस बार मेरे दादा दादी और नाना नानी के लिए कपड़े खरीदने बोला कैसे बोला मेरी इत के कपड़े हैं मेरे कुछ पैसा जमा किया हुआ है तो मैंने कहा भाई तू मेजरमेंट कैसे लाओगे पता कैसे चलेगा साइज कौन सी है और कलर कैसे पता चलेगा बोला मैंने है ना स्टडी किया हूँ कि नाना नानी और दादा दादी के फेवरेट कलर्स कौन से हैं और उनके पुराने ड्रेस लिए मेजरमेंट लिया और जाकर चार जोड़ी कपड़े एक दादा दादी ना 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 चारों को एक एक जोड़ी कपड़े और वो आम कुर्ता पहनकर ईद की नमाज में गया और उसके चेहरे पे ईद की खुशियाँ नजर आ रही थी और वो खुशी इसलिए थी कि उसने अपने नाना नानी ना और दादा दादी के साथ एक्सीलेंट सुलूक किया अब उसके माँ बाप को कितना अच्छा लगा होगा देखकर कि हमारे माँ बाप की खिदमत करता बच्चा कल के अगर हम मर गए तो हमारे माँ बाप यतीम नहीं हो जाएंगे उनके पोते इनके नवासे काम करेंगे है कि नहीं आपको शायद नहीं पता होगा बहुत सारी औरतें बेवा हो जाती है इनके बच्चे होते हैं और इनकी शादी नहीं होती है इसलिए कि इनके बच्चे हैं तो बेचारे नाना नानी या दादा दादी दा बुढ़ापे में इनके बच्चों को अपने घर में पालते हैं कि हमारी बेटी का निकाह हो जाए यानी उस पोते का भी ख्याल रखते हैं दादा दादी दा दा दाना नानी अपने बेटे या अपने दामाद के इंतकाल के बाद ताकि हमारी बेटी की शादी हो जाए एक तो आपने बच्चों को पाल के बड़ा किया अब हम हो गए साठ पैंसठ साल के फिर भी हमने हमारे पोते और नवासे को घर पे रखा पढ़ाया फिर वही खर्चा किया जो इनके मां बाप के पीछे किया था कितनी बड़ी कुर्बानी है बुढ़ापे में हुँ? तो हक हाँ है ना उनका हमारे ऊपर कि हम भी उनके लिए कुछ करें हम तो यार सलाम भी नहीं करते यहां तक कि शादी में जाते तो हम दोस्तों के साथ रहते बेचारे दादा दादी नाना नानी अकेले बैठते हैं कोई पूछने वाला भी नहीं कि कुछ लेकर आऊ क्या तो ये छोटी छोटी चीज होती है अगर आप किसी के वली में गए और नाना नानी बैठे हैं या नाना बैठे हैं नाना कुछ लाऊ क्या पूछो नाना आइसक्रीम अब आइसक्रीम के वहाँ भीड़ होती है ना आमतौर पर सब बच्चे टूट पड़ते आइसक्रीम तो मिलती नहीं है अब वो बड़े भैया क्या अस्सी साल के जाकर बोले हमें आइसक्रीम दो नाना कुछ चाहिए क्या दादा कुछ लेकर आऊँ क्या पर आपको पता होना चाहिए कि आपके दादा को कौन सी चीज़, चीज़ अच्छी लगती है बिरयानी अच्छी लगती है कि फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो चीज़ लेकर आना चाहिए कभी कभी अपने पॉकेट मनी रिक्शा में हमेशा जाने का शौक़ है चलो आज मैं रिक्शा में नहीं जाऊंगा पचास रुपया बच गया आधा किलो सेब मेरे दादा के लिए वाह पचास रुपया लेकिन वो पचास रुपया शायद आपकी जन्नत की टिकट बन सकती है क्यों मालूम है अल्लाह ताला की एक खासियत है अगर किसी ने ऐसे जज्बे के साथ अल्लाह के लिए एक खजूर के बीज की छिलका पतला सा अल्लाह के रास्ते में सदका किया तो अल्लाह ने उसको भी कबूल किया और उसका भी बदला दिया और यहाँ आपने बस में आए या चल कर आए परीक्षा के पैसे बचाए और आपने दादा दादी के लिए नाना नानी के लिए कुछ लेकर आए कितनी बड़ी बात है अगर दादा दादी बीमार है तो जाकर बैठने का चलो भाई आप दवाखाना नहीं जाते हो शाम को जाकर दो घंटा बैठो खाली बैठो बातें करो या वो अब बातें करेंगे हम छोटे थे तो ऐसा था वैसा था हमारे माँ बाप ऐसे थे हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसे थे दे वॉन्ट टू टॉक एंड दे वॉन्ट समबडी टू लिसन टू दे टॉक्स ये बात करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई उनकी बातें सुने हाँ बैठे बैठे व्हाट्सएप करते रहे थे हाँ हाँ सुना हाँ 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 नो बैड मैनर्स वेरी बैड मैनर्स योर पेरेंट्स आर टॉकिंग टू यू जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करते हैं पे अटेंशन सुन्नत है अल्लाह के रसूल रसुल्ला की आदत है, शरीफा में एक ये आदत है कि जब कोई उनसे बात करता था तो जब तक वो बात कंप्लीट नहीं होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो से उसकी बात सुनते थे हम एक साथ में दो दो डिस्कशन करते ना व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं मम्मी भी कुछ कहती है और वो टीवी पे भी कोई ना कोई कुछ कह रहा होता है राइट और रॉन्ग तो ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ कम्युनिकेशन के लिए भी एक स्पेशल क्लास करेंगे हम फिलहाल हम ये देख रहे हैं अगर कोई सवाल यस आपका गुड क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि किसी के माँ बाप अगर अल्लाह के नाफरमानी में मुबतला है तो क्या करना चाहिए भाई देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एज ए गुड मुस्लिम चाइल्ड आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मां बाप के जन्नत में जाने का सबब बने राइट right? और इसकी एग्जाम्पल्स आपको कुरान में मिलते कि इब्राहिम इनके वालिद साहब अल्लाह के नाफरमान थे अल्लाह के खिलाफ भगावत करते थे तो भी ये अपने अब्बा के साथ प्यार से पेश आते थे या आबाती, सुरे में ये है। या आबाती ओ माई डियर फादर यानी आप करेक्ट करोगे बड़े अच्छे अंदाज में यू कैनोट बी रूड अबा बिजती है अब आप जन्नत में जाओगे ऐसा करोगे तो अब्बा तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं है आप किस तरह से बातें करोगे तो आपके अब्बा और नाराज़ हो जाएंगे और आप भी नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह की क्योंकि कुरान ने क्या कहा वह बिलवाल एहसान अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक एक शख्स मेरे पास आकर शिकायत करता है निसार भाई मेरा बेटा मुफ्ती बन गया भाई अरे मुबारक हो मदरसे गए नहीं बाबा घर पे ही मुफ्ती बन गया हर एक को फतवा देता है ये बिद्दती है ये ऐसी है ये बुरखा नहीं पहनती है तो मतलब कि अल्लाह ताला ने उसको क्या थोड़ी सी हिदायत दे दी नमाजी हो गया तो अब जो है लोगों पे फतवा देते रहता है करेक्शन का भी एक इस्लामी अंदाज है उसमें भी एक्सीलेंस होना जरूरी है यू कैनॉट भी रूट टू वर्ड्स योर पेरेंट्स अब ऐसा नमाज पढ़ो अब्बा ना अब्बा नमाज पढ़ लेंगे क्या अस्सलाम वालेकुम अब्बा फजर की अजान हो गई नमाज का वक्त हो गया अब चल रहे हो क्या मेरे साथ मस्जिद में समझे ना तो उस एतबार से यू हैव टू बी पोलाइट एंड कर्चियस टू योर पेरेंट्स अपने माँ बाप के साथ भले अगर वो मुब्तला है गुनाह में आपका अंदाज इस्लामिक अंदाज होना चाहिए कि आपके अंदाज का सवाब एक्स्ट्रा मिलना चाहिए एक तो आपके मैनर्स का सवाब मिला आपको दूसरा कि आपने अपने माँ बाप को करेक्ट किया डबल सवाब डबल सवाब मिलना चाहिए बात समझ नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप को पता नहीं होता है कि ये गलती है और आपको पता है कि ये गलत है तो उस वक्त भी आप अदब से बात करोगे अपने माँ बाप के साथ कि मम्मा एक बात कहूँ क्या कैन आई रिक्वेस्ट समथिंग इस तरह से मिसाल के तौर पर एक बच्चा था इनकी वालिदा कभी कभी गिबत करती थी मतलब औरतें बैठ के ना दूसरों की बातें करते हैं अब ये बच्चा एक बार जुम्मे का खुतबा सुना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि लोगों की गिबत करना अब ये बैठा है उसकी माँ को देख रहा माँ किसी की बात कर रही है वो ऐसी वो भाभी ऐसी और वो ऐसी तो जाके बोलता है माँ एक बात बोलूँ क्या माँ बोल हाँ बेटा क्या हो गया माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं भी प्यार करती हूँ इसलिए कभी कभी माँ ऐसा होता ना मुझे डर लगता है आपके बारे में क्यों अभी अभी आपने मम्मी जो बात की ना वो खाला के बारे में वो गिबत है और कुरान कहता है कि मरे हुए भाई का गोश खाने के बराबर है अभी मम्मी देखो तुम उसकी गिबत करोगे वो तो यहाँ पे है नहीं अक्की अपनी दिफा करे अपना डिफेंड करे तो बेहतर है कि मम्मी आप उसको बुलाओ चाय और उसको करे कर लो माँ को अच्छा लगा कि मेरे बेटे ने मेरी असला की समझे अगर आदमी के अंदर तकवा होता है तो मुझे अच्छा लगता रही बात कि अगर नहीं करते नहीं सुनते हैं फजकिर इन मानता मुजकिर आपका काम है नसीहत करना लसता अल बे मुस्तर यू आर नॉट ए कॉप ओवर दैम क्या क्या हो रहा है यू आर नॉट ए वॉच ओवर दैम ठीक है इन अब हम इसमें ही आगे बढ़ते हैं ये सोचते हुए कि भाई खाला फूफी इनका भी तो हक है जैसे हमने नाना नानी दादा दादी का हक बताया इनकी बीमारियों में इनकी आदत करने जाना चाहिए या कभी संडे को या जुमा के दिन छुट्टी हो इनके घर पे जाओ चाय पियो या ये घर पे आवे तो इनके साथ बैठ के बातें करो इसलिए कि अगर ये तुम्हारे घर पे आते तो तुम्हारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी का भी स्वभाव है तो ऐसा नहीं कि भाई मम्मी की सिस्टर है तो मम्मी बातें करेगी नो 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 आपके भी तो रिश्तेदार हैं कभी कभी ऐसा बम्बई जैसे शहरों में और आज के ज़माने में तो ऐसा होता है कि लोगों को अपने रिश्तेदारों के नाम भी पता नहीं खाला भी कभी कभी मिलती है तो मानू पड़ता है ये है ना ये तुम्हारी मम्मी की बड़ी बहन ये तुम्हारी मम्मी की छोटी बहन अरे भाई ये तो ब्लड रिलेशन है इनके बारे में तो मालूम होनी चाहिए तो ये हमारी भी कमजोरी है क्यों मैं यही नहीं कहूंगा कि सिर्फ माँ बाप की कमजोरी है फिलहाल तो क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं ये टीम्स के लिए क्लासेस है राइट तो मैं टीम्स के साथ बात करूंगा कि वेयर डिड यू गो रॉन्ग तुम फेसबुक के प्रोफाइल पे दोस्त तलाश करते हो तुम स्कूल में और कॉलेज में जाकर लोगों से दोस्ती करते हो वो प्रोफेसर कौन है वो प्रोफेसर कौन है ये मालूम होती है तेंडुलकर कैसा क्रिकेटर है और रोनाल्डो कैसा फुटबॉल खेलता है ये सारी चीजें हमको मालूम होती है हमको हमारी खाला हमारी फूफा जो हमारे रिश्तेदार है इनके बारे में हमें क्यों मालूम नहीं है जानते हो इस तरह से बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ना सिला रहमी कहते हैं आज की क्लास खत्म होने से पहले बड़ी प्यारी हदीस अल्लाह के रसूल सल्म ने फरमाया जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो उसकी उम्र में बरकत हो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करें यानी उम्र में बरकत माल में बरकत बरकत सिला रहमी में है अपने रिश्तेदारों के पास जाकर अच्छी तरह से बातें करना उनकी मदद करना ये सिला रहमी है अगर वो नहीं आते हैं तो तुम जाओ वो कभी भी नहीं आते हैं तो भी तुम जाओ तो ये थी आज की क्लास और ये था आज का सबक इतना वक्त नहीं है कि आपका सवाल लिया जाए अगली क्लास में इन विल डिस्कस फर्दर और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आपका कीमती वक्त दिया मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा कहना सुनना कबूल करे और हमारी मफफरत करे इस प्रोग्राम में आप शिरकत करते रहिए और आपकी फीडबैक भी भेजते रहिए वाखर दावाना रबीआल जजाक असल वरम वक्